start it or give it, you give a little brief also. Namaskar. Rajesh, can we start now? नमस्कार. सत्ता के घमंड में मोदी सरकार जनता पर हर रोज महंगाई का नया बोझ लाद रही है. कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ, एलपीजी की महंगाई के खिलाफ, सीएनजी की महंगाई के खिलाफ, पीएनजी की महंगाई के खिलाफ जिस प्रकार से जनता पर लगातार बोझ लादा जा रहा है, जिस प्रकार टैक्स बढ़ाकर लोगों पर बोझ लादा जा रहा है, जिस प्रकार से महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है, कांग्रेस ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है और ख़ास तौर पर महिला कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जनता की लड़ाई सड़क से संसद पर जोर शोर से लड़ी है. तो आज इसी मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए अनुरोध करता हूं. आज हमारे बीच में है महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेटा डिसूजा जी. मैं उनसे और उनकी पूरी टीम, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आपसे अपने विचार रखें. धन्यवाद. धन्यवाद विनीत जी. सबसे पहले मैं आप सभी प्रेस के भाइयों और बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने कम समय में यहाँ पे पहुँच गए. आप सभी को और देश के लोग आज देख चुके हैं कि आज भी एलपीजी के दाम में 3.50 रुपया का बढ़ोतरी हुआ है. पिछले 45 दिनों में लगातार 100 रुपया बढ़ाया गया. कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 60 दिनों में 457 रुपीज, 60 दिनों में 457 रुपीज 50 पैसे बढ़ाया गया और 24 घंटे में अब 8 रुपया बढ़ाया गया है. इस सरकार को आम जनता की कोई पड़ी नहीं है. अगर आप आंकड़े देखें तो डीजल और पेट्रोल से कांग्रेस के समय में सब्सिडी दिया जाता था और पिछले 8 सालों में 27.5 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने लोगों के जेब से कमाया है. सरकार का काम होता है लोगों के हित में काम करना. जब महिलाएं गैस के बढ़ते हुए दामों से त्रस्त हैं तो वो अपने घर कैसे चला सकती हैं? डीजल हमारे समय में, पेट्रोल 71 रुपीज 41 पैसे हुआ करता था, आज 105 रुपया प्रति लीटर है. मैं खास करके गैस सिलेंडर के दामों पे बात करूंगी क्योंकि गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों के को लेकर आम गृहिणी त्रस्त है. महिलाएं अपने घर नहीं चला पा रहे हैं. इवन सीएनजी एंड पीएनजी, क्योंकि आजकल पीएनजी के लाइंस लगते हैं, जिस पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते जो बिल्स आ रहे हैं, गैस के बिल्स आ रहे हैं, वो पहले से डबल हो रहा है. हमने महिला कांग्रेस ने बार बार इस गूंगी बैरी सरकार को जगाने का काम किया. लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़, आम घर की गृहिणी की आवाज़ उन तक पहुंचाने की कोशिश की है. संसद के दरवाजे पे भी जाके हमने संसद में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से गुजारिश की कि वो लोगों के हित में, आम जनता के हित में, देश के महिलाओं के हित में गैस के दामों पे पूर्ण विचार करें. गैस के दामों में जो सब्सिडी दिया करती थी कांग्रेस सरकार, वो सब्सिडी देना वापस शुरू करें. पर दुख की बात है कि इस सरकार ने आम जनता की आवाज़ सुनने पे
या उससे सुनने पे ही उसे समझने के लिए भी उनके पास ना वक्त है। बार बार इनसे हमने कोशिश किया जाके मिलने की, और जब वो नहीं मिल सके तो जहां पे भी वो मिले, स्मृति ईरानी जी से 31 मार्च को जब भेंट हुआ इंडिगो फ्लाइट पे, तभी भी हमने उनको याद दिलाने की कोशिश की। उनसे हमने सवाल किया कि गैस के दाम कब होंगे, उनको वो दिन याद दिलाए जब वो सत्ता के भूखे थे, जब कांग्रेस की सरकार थी और उनको लालच थी भाजपा को कि वो आके सत्ता में बैठे, तो उस लालच के चक्कर में उन्होंने लोगों को जिस तरीके से गुमराह किया, उन्होंने गैस सिलेंडर, स्मृति ईरानी जी ने तब अपने सिर पे उठा उठा के चिल्ला रही थी वो, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब जब मोदी सरकार है, अब जब सत्ता में मोदी सरकार है, मैं स्मृति ईरानी जी से 1-to-1 मिलके भी ये प्रश्न किया हमने कि गैस के दाम अब कम क्यों नहीं है हुए हैं, और ये जनता के सामने, आप सभी के सामने बात है कि स्मृति ईरानी जी ने कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो अब जब 3.50 रुपया बढ़ा है, क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है कि 45 दिनों में गैस का दाम 100 रुपया बढ़ा है? क्या ये झूठ है कि आम गृहिणी मजबूर हो रही है कि वो गैस को छोड़ के चूल्हे पे वापस आए? क्या ये उनके हेल्थ के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने जा रहा है? क्या ये प्रकृति के साथ, क्योंकि जब गैस के दाम बढ़ते हैं तब महिलाओं को चूल्हा जलाने पे मजबूर करता है, जब लकड़ी जलती है तब पोल्यूशन भी होता है और नेचर के पेड़ भी कटते हैं। बहुत सारी वादे, बहुत सारी उम्मीदें इस सरकार ने अपने झूठी वादों के दौरान के तहत लोगों के बीच रखा है। अब वक्त आ गया है इस सरकार को जवाब देने का। मैं आपके माध्यम से इस सरकार में बैठे सारे मंत्री और उस वक्त के आंदोलनकारी, उस वक्त के जिन लोगों ने धरनाएं दी जब कांग्रेस ने 415 रुपया से लेके जब गैस के दाम 430 रुपया तक बढ़ाया गया, 435 रुपया तक बढ़ाए, जो सड़कों पे उतर के चिल्लाते थे, अब उनसे ये मेरा सवाल है कि अब आप सत्ता में बैठे हो, अब कलम भी आपके हाथ में, सत्ता भी आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है, तो गैस के दाम में बढ़ोतरी क्यों, और गैस के दाम कम कब होगे? ये ना सिर्फ इस मंच पे बैठे हुए महिलाएं पूछ रहे हैं, ये देश की हर घर की महिला का सवाल है। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस यू हैव प्लीज, इसी टॉपिक पे रहिएगा प्लीज। स्मृति ईरानी जी को घेरने के बाद जिस तरीके से उसने झूठ बोला, इससे जिस तरीके से उसे सवाल पूछने पे उन्होंने जवाब दिया कि ये झूठ है, तो ऐसे बेशरम मंत्रियां, ऐसे बेशरम लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनसे उनको घेरने का भी कोई फायदा नहीं है, पर हम उनको बार बार घेरेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि वो या तो सत्ता छोड़ के जाए, या कांग्रेस ने जिस तरीके से, कांग्रेस के सत्ता ने लोगों के हित के, खास करके महिलाओं के हित में गैस के दाम कम रखे थे, उसी तरीके से दोबारा गैस के दाम 435 रुपया पे ला के दे जनता को। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लगातार सड़कों पे भी उतर रही है, और अगर हम सत्ता में हों या ना हों, इससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों की मुद्दे,
हम जनता की मुद्दे, जो चीज़ जनता को चुभ रही है, वो हम एक मजबूत विपक्ष का काम सदन में करते हैं। और जो आपने पूछा कि आंदोलन, आंदोलन के बाद आंदोलन प्रतिदिन हो ही रहा है, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे, पर ब्लॉक स्तरों पे भी हो रहा है, गांवों में भी हो रहा है, जिले लेवल पे हो रहा है, प्रदेशों में हो रहा है। उम्मीद है कि मीडिया के हमारे जो साथिया है, अब जनता की आवाज़ बनके वो आंदोलनों को लोगों तक पहुंचाने का भी काम करे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इसको जरा दिखाइएगा, ये बहुत देश से जुड़ा हुआ मामला है, सब लोगों से संबंधित है। सॉरी। थैंक यू।